भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये मूवी 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान गुजरात के छोटे जिले कच्छ की दो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पहली घटना में अजय देवगन यानी स्क्वाडन लीडर विजय कार्निक पर है। कैसे विजय कार्निक ने कच्छ जिले में एक छोटे से गांव माधापुर के 300 जाबाज महिलाओं के साथ टीम बनाकर 1971 की जंग जीती थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था। और दूसरी घटना इसी युद्ध की घटना है। इस फिल्म में एक और बड़े कैरेक्टर निभाने वाले संजय दत्त, जो कि रियल लाइफ हीरो रणछोड़ दास राबड़ी का किरदार निभा रहे हैं। रणछोड़ दास राबड़ी ने 1971 में हुए युद्ध विजय बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। हालांकि पैसे से चरवाए थे, लेकिन युद्ध जिताने में अहम रोल निभाया था। क्यों जंग का ऐलान है, आज खुदा खुद परेशान। यह घटना है 1971 का, जब पाकिस्तान ने भुज एयरफोर्स पर बम बरसाया और उसको तहस नहस कर दिया था। पाकिस्तानियों ने 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 तक इतने बम बरसाए कि भुज एयरफोर्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पाकिस्तान ने 92 बम 22 रॉकेट दागे थे, जिसे वहां के लोग उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए। वैसे उस समय भारतीय एयरफोर्स जामनगर में स्थित हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन भुज एयरफोर्स को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भुज एयरफोर्स पाकिस्तान के बहुत ही करीब था। भुज एयरबेस पर रॉकेट और बम फटने से 12 फीट तक गड्ढे हो चुके थे। वायुसेना के अफसरों ने जब स्थानीय मजदूर से भुज एयरबेस बनाने की मदद मांगा तो उसमें से कोई सामने नहीं आया, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी वायु विमान आसमान में मंडरा रहे थे, जिसे वहां मजदूरों में जान जाने का खौफ रहता था। लेकिन भुज के मादापुर गांव के 300 जाबाज महिलाओं ने अपने बच्चे अपने परिवार छोड़कर सामने आए, जो 72 घंटे की कड़ी मेहनत में भुज एयरबेस को तैयार कर दिया। उन सबको उस समय बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहला दिन तो पानी पीकर ही गुजारा था, लेकिन दूसरे दिन पास के स्थित मंदिर से फल का इंतजाम किया गया। इन वीरांगनाओं का 72 घंटे की कड़ी मेहनत ने आखिर रंग ला ही दिया था। भारत के भुज एयरबेस ने उड़ान भरना शुरू कर दिया और पाकिस्तानियों सेनाओं को भगा भगा कर मारा। और 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को सरेंडर करना पड़ा और भारत विजय हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद विजय कार्निक ने उन महिलाओं से बात करते हुए बोला, 300 महिलाओं में से एक भी महिला को अगर कुछ हो जाती तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता। उन वीरांगनाओं ने भी कहा, अगर हमारी और भी जरूरत पड़ती होती तो हम पीछे नहीं हटते। उन वीरांगनाओं के याद में 2015 में मादापुर गांव का मुख्य द्वार पर वीरांगना स्मारक बनाया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरी घटना के बारे में, जिसके रियल हीरो हैं रणछोड़ दास रबारी, जिसका कैरेक्टर संजय दत्त निभा रहे हैं। रणछोड़ दास रबारी का जन्म 1901 कैथापुर के कैथड़ो गांव में हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन में यह हिस्सा पाकिस्तान की ओर चला गया था। रणछोड़ दास रबारी पेशे से एक चरवाहा थे। पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर से ये भारत के गुजरात के बनासकांठा में रहने लगे। रणछोड़ दास रबारी के पास एक अद्भुत सी कला थी। इसी कला की वजह से 1971 के युद्ध जीतने में हमारी बहुत काम आई थी। इस कला का नाम है पगी। रणछोड़ दास रबारी रेत में पड़े ऊंट की पैरों को देखकर बता देते थे कि ऊंट कब गया, कितना वजन उठाया था, कितने दूर गया होगा, अब भी किस स्थान पे होगा। साथ ही रबारी कुछ ऐसे शॉर्टकट रास्ता जानते थे, कुछ ऐसे खुफिया रास्ता जानते थे जो कि बहुत कम लोगों को पता होता था। इसी वजह से 1959 में जब रणछोड़ दास रबारी 58 साल के थे तो उन्हें पगी पद पर सरकारी नौकरी पर नियुक्त कर लिया गया था। इनका काम था पुलिस और बीएसएफ को रास्ता दिखाना। 1965 में पाकिस्तानियों ने 12,000 सैनिक लेकर भारत के कच्छ पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे लगभग 100 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और कच्छ के रण में स्थित पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया था। और कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया था और ये सूचना पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तानी सेना तोप और मशीन गन्ज लेकर बैकअप के लिए चले आ रहे थे। इस कारण भारत की बॉर्डर कच्छ में असुरक्षित हो गई थी। इसलिए भारत के 10,000 सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदारी ले ली। रणनीति के हिसाब से 10,000 सेनाओं को 3 दिन में कच्छ से होकर जारकोट पोस्ट पहुंचना था, लेकिन कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना अपनी मोर्चा जमाए हुए था। कच्छ का रण पूरा खुला इलाका था, इसलिए इस काम को रणछोड़ दास रबारी को सौंपा गया। उन्हें किसी भी हालत में 10,000 सैनिकों को 3 दिन में जारकोट पहुंचाना था और इस काम में रणछोड़ दास रबारी ने पूरी तरह से सफल हुए। रबारी ने पैरों के निशान और पक्षियों की हरकत देखकर और खुफिया रास्ते के सहारे 2.5 दिन में ही पहुंचा दिया। यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट कहां कहां लगाए हैं और कितने सैनिक हैं सटीक और सही अंदाजा लगाया और भारतीय सैनिकों ने रणछोड़ दास रबारी के बताए गए जगह पर हमला किया। इस हमला में कुछ पाकिस्तानी मारे गए थे, कुछ को गिरफ्तार कर लिया था और कुछ बचे हुए लोग दम दबाकर भाग गए थे। और 1965 में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया और फिर रणछोड़ दास रबारी को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया।
फिर से 6 साल के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में शुरू हुआ। उस युद्ध में रणछोड़ दास राबड़ी 70 साल के हो चुके थे, लेकिन 70 साल के उम्र में बनासकांठा से ऊंट पर निकलकर कच्छ के रास्ते होकर पाकिस्तान चले गए। बगैर अपनी जान की परवाह किए बिना रणछोड़ दास राबड़ी पाकिस्तान पहुंचते रात दिन वहां घूमकर पाकिस्तानियों का हरकत देखकर पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और वो जानकारी भारत की सेना को दे दी और इसी बेस पर कच्छ की लड़ाई लड़ी गई थी। एक बार लड़ाई लड़ते हुए बम बारूद खत्म हो गए थे। रणछोड़ दास राबड़ी ने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना ऊंटों पर सेनाओं के लिए बम बारूद पहुंचाया और इस तरह से 1971 में भी वो कड़ी मेहनत कर भारत को युद्ध जिताने में सफल हुए। रणछोड़ दास राबड़ी को वीरता के लिए 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संग्राम पदक, पुलिस पदक, समाज सेवा पदक से सम्मानित किया गया। जुलाई 2009 में रणछोड़ दास राबड़ी 108 साल की उम्र में सेना से वेटरन रिटायरमेंट ले लिया था। 19 जनवरी 2013 को रणछोड़ दास राबड़ी का 112 साल की उम्र में निधन हो गया था। रणछोड़ दास राबड़ी के याद में कच्छ के बीएसएफ का पोस्ट का नाम रणछोड़ दास राबड़ी पोस्ट रखा गया है, साथ में उनका प्रतिमा भी लगाया गया है। रणछोड़ दास राबड़ी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि सेना में भर्ती होने के लिए कोई उम्र मोहताज नहीं है, क्योंकि रणछोड़ दास राबड़ी को 58 साल की उम्र में उनको उनकी स्किल को जांच परख कर उनको सरकारी नौकरी पर नियुक्त किया गया था। सरकारी नौकरी में नियुक्त होने के बाद रणछोड़ दास राबड़ी ने ये बता दिया कि इस देश की सेवा करने में न तो किसी उम्र की जरूरत है और न ही किसी सेना में भर्ती होने के लिए, आप आम नागरिक होकर भी जरूरत आने पर अपने देश की मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिल से सैल्यूट है और उन 300 जाबाज महिलाओं के लिए जिन्होंने बिना अपना जान की परवाह किए बिना इस जंग में उतर गई थी, जिसे 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने में हमारी बहुत मदद की। दोस्तों, इस देश में कई ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिनकी कहानी अब तक हम नहीं जानते, वास्तव में वो हमारे देश के एक हीरो हैं। वे अपने देश के लिए जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। बहुत से ऐसे भी हीरो हैं इस देश में जो गुमनाम हैं, जो जिंदा रहने के बाद भी गुमनामी के धूल में दबे हुए हैं। लेकिन सिनेमा हमें नया माध्यम मिला है जिससे हमें हमारे देश के जाबाज लोगों के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक दुधैया ने। इस मूवी में बड़े बड़े सितारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही जैसे स्टार देखने को मिल जाएंगे। यह मूवी 14 अगस्त 2020 को ही थिएटर खुलते ही रिलीज होना था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर से इसे टाल दिया गया। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि यह फिल्म 11 अगस्त 2021 को रिलीज होगा और वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे। क्या आपने इसका ट्रेलर देखा? अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, जाकर एक बार ट्रेलर देख कर आओ, मजा आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।